नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में तो यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग मिडीवल इंडिया पे बात कर रहे थे तो मध्यकालीन भारत के ही एक अन्य टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सिलेबस को निकाल लीजिए ताकि हम लोग सिलेबस में एक बार देख लें कि कौन से यूनिट के कौन से चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए और जब आप सिलेबस निकालेंगे और जिनके पास सिलेबस नहीं है यह उनके लिए यू जी सी नेट ऑनलाइन डॉट इन यह जो है नया वेबसाइट है यहाँ से जा कर के आप अपडेटेड सिलेबस जो है जो, जो जुलाई 2018 में अपडेट किया गया था उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के पश्चात जब आप यूनिट नंबर सिक्स में जाएंगे यूनिट नंबर छः में जाएंगे तब आप देखेंगे दूसरे टॉपिक के तौर पर यहाँ पे शामिल किया गया है द सूफ़ीज़ को यानी जिसमें सूफ़ी मूवमेंट के बारे में पढ़ना है सूफ़ीज़म के बारे में पढ़ना है तो द सूफ़ीज़ में हमको क्या क्या पढ़ना है दूसरे चैप्टर के बारे में उसको पहले देख लेते हैं उसके बाद इस पर बात स्टार्ट करते हैं इसमें देखिए इसके ऑर्डर के बारे में बात करना है ऑर्डर को हिंदी में सिलसिला कहते हैं यानी सुफिज़म जब शुरुआत हुआ तो उसके कई तरह के सिलसिले थे और दूसरे नंबर पे है इसके बिलीफ के बारे में यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है जो इसका उद्भव हुआ है इसका विश्वास का थ्योरी क्या है और तीसरे नंबर पे इसके प्रैक्टिसेस के बारे में इसके प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ना है और चौथे नंबर पे लीडिंग सुफीसेंट यानी जो शुरुआती दौर से जो कुछ महत्वपूर्ण सूफ़ी सेंट रहे हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद है सोशल सिंक्रोनाइजेशन यानी समाज पे यानी भारतीय समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे तो मुख्य तौर पे सुफिज़म के सुफिज़म पे जब हम लोग बात करेंगे तो इन पांच बिंदुओं पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सिलेबस में इसी को शामिल किया गया है ऐसे बात तो बहुत सारे यूनिट पे बहुत सारे इसके आयाम पे की जा सकती है लेकिन यह पांच महत्वपूर्ण आयाम को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है तो क्या क्या बात करेंगे एक तो ऑर्डर के बारे में बिलीफ के बारे में प्रैक्टिस के बारे में लीडिंग सूफी सेंट के बारे में और उसके समाज पे जो प्रभाव पड़ा है उसका सोशल सिंक्रोनाइजेशन है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे एक एक करके तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सुफ़ीजम को हम लोग दो लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि यह बड़ा चैप्टर है तो एक लेक्चर में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि यह दो घंटे का लेक्चर हो जाएगा इसलिए हम लोग इसको एक या दो लेक्चर में मतलब दो या तीन लेक्चर में एक में तो बिल्कुल नहीं दो या तीन लेक्चर में करेंगे उसके बाद इसी के साथ हम लोग भक्ति मूवमेंट को कर लेंगे जो मध्यकालीन भारत में पढ़ना है यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इससे दो से तीन सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और चूंकि एग्ज़ाम का एक महीना ही बचा हुआ है इस वजह कर हम लोग इसको कवर कर रहे हैं ताकि जो दो चार सवाल इससे आ सकते हैं वो हमारा सवाल छोटे नहीं वैसे तो बहुत सारे यूनिट अभी बचे हुए हैं पूरा मॉडर्न इंडिया बचा हुआ है और हम लोग दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक तक पढ़ चुके थे तो वहाँ पे फिरोज शाह तुगलक बचा हुआ है उसके बाद तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगा और फिर है सैयद और फिर है लोधी डायनेस्टी और फिर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो आर्किटेक्ट का काम किया गया है स्थापत्य कला के फील्ड में जो काम किया गया है उसके बारे में एक लेक्चर कर लेंगे और एक दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन पे यानी प्रशासनिक व्यवस्था पे उसके बाद दिल्ली सल्तनत ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा तो मध्यकालीन भारत का एक हिस्सा खत्म हो जाएगा उसके बाद मुगल बचेगा तो मुगल को भी हम लोग कवर करेंगे कोशिश ही करेंगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है क्योंकि पेपर वन भी करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम कम मिलता है हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग हेडिंग दे दीजिए सुफिजम हेडिंग दे दीजिए सुफिज्म सुफिजम को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सुफीज्म आया कहाँ से या सुफिज्म का उद्भव ही क्यों हुआ जैसे आप देखोगे कि एक बड़ा सा जो रिलीजन है उसमें से कई छोटे छोटे उसके पंथ निकल जाते हैं ठीक है पंथ और रिलीजन में बहुत बेसिक फ़र्क होता है पंथ का जो एरिया होगा वह छोटा होगा हमेशा याद रखना और जो धर्म का एरिया जो होगा वह हमेशा बड़ा होगा तो एक धर्म में कई तरह के पंथ हो सकते हैं लेकिन एक पंथ में कई तरह के धर्म बिल्कुल नहीं हो सकते समझ में आ रही बात जैसे एक कंट्री में कई स्टेट हो सकते हैं लेकिन एक स्टेट में कई कंट्री नहीं हो सकते हैं कॉन्सेप्ट समझना ठीक है उसी तरीके से धर्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा धर्म जिसको आप लोग जानते होंगे डेफिनेटली जानना चाहिए इस्लामिक ट्रेडिशन जिस तरीके से इस्लाम एक रिलीजन है इसी से निकला हुआ एक पंथ है इसी से निकला हुआ एक पंथ है जिसे हम लोग सुफ़ीज़म के नाम से जानते हैं यदि सुफीजम के बारे में बात करें तो इसके ऊपर यदि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी चीज़ का रहता है तो एक तो प्रॉफिट जो हुए हैं प्रॉफिट ठीक है पैगंबर साहब पैगंबर लिख लो उनके विचार जो हैं उनके वचन जो हैं उसके साथ साथ कुरान का जो आइडियाज़ है उसका प्रभाव है सुफ़ीज़म पे उसके अलावा शरीयत का है शरीयत इस्लामिक कानून तो यदि बेसिकली आपसे निचोड़ पूछा जाए कि सुफ़ीज़म का जो इसके ऊपर जो प्रभाव है वह किन किन टेक्स्ट का है तो आप कह सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के विचारों का एक प्रभाव है उसके अलावा कुरान का तो है ही क्योंकि इंटीग्रल पार्ट किसका इस्लाम का ही इंटीग्रल पार्ट है इसी से निकला है तो कुरान और शरीयत का प्रभाव तो होना लाजमी है और यहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद के विचार का भी प्रभाव है समझ में आ रही बात क्लियर है तो यह तीन चीज़ों को मिला करके यह तीन आइडियाज़ को मिला करके या फिर कह सकते हो कि इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिला करके ये सुफिजम का निर्माण हुआ है तो सुफ़िजम में जितने भी आइडियाज़ होंगे उसका कहीं ना कहीं जो कोर पार्ट होगा जो जहां से निकलता है कोई सिद्धांत वह इसी से रिलेटेड होगा इसको याद रखिएगा ज़रूर ठीक है इसको हम लोग मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अब बहुत आप जब आप रिलीजन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग बेसिकली बात करते हैं आत्मा और परमात्मा को लेकर जिसको लेकर के सबके अलग अलग अपने अपने विचार हैं बौद्ध धर्म का अपना आइडिया है जैन धर्म का अपना है इस्लाम का अपना है हिंदुओं का अपना है सभी का अपना है लेकिन हम लोग सुफीजम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक प्रेमी और एक प्रेमिका का संबंध होता है जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका का संबंध होता है समझ मारी बात ये इतना मतलब इसको प्यार से लव से जोड़ करके यहाँ पे दिखाया गया है और एक्चुअली दिखाया ही नहीं गया है इस कॉन्सेप्ट में लोग बिलीव करते हैं और इसके ऊपर काम भी करते हैं ठीक है इसलिए आप सुने होंगे महबूब ए इलाही इस टाइप का बहुत सारा आप गाना सुनते होंगे ठीक है जितने भी सूफी सॉन्ग सुनेंगे उसी का एक गाना है महबूब ए इलाही ठीक है यहाँ पर जो है अल्लाह को या फिर भगवान को अपना महबूब माना गया है ठीक समझ में आ रही बात तो यहाँ पे आत्मा और परमात्मा जैसे हम लोग कहते ना कि आत्मा हमारे शरीर में वास करती है और जब हमारा शरीर का नाश हो जाता है तो आत्मा दूसरे शरीर को ढूंढ लेती है और परमात्मा बेसिकली हम लोग भगवान को कह रहे हैं ठीक समझ में आ रही बात तो यह क्या कह रहे हैं कि यह जो है आत्मा और परमात्मा का संबंध सुफीजम में बिल्कुल उसी तरीके से माना गया है जैसे दुनियावी दुनिया में एक प्रेमी और प्रेमिका का संबंध होता है ठीक अब एक प्रेमी और एक प्रेमी जो है प्रेमिका तक पहुंचने के लिए अपने महबूब तक पहुंचने के लिए यानी भगवान तक पहुंचने के लिए उसको दस रास्तों से गुजरना पड़ता है सूफीजम में और वो दस रास्ते कौन कौन है उसको यहाँ पे बताया गया है उसको हम लोग लिखेंगे इसलिए आप लोग घबराए नहीं लेकिन ये सारा चीज़ आप लोग लिखते चलिएगा ठीक है लिखते चलेंगे तभी चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक नहीं तो फिर आप ऐसे ही पढ़ते रहो कोई मतलब ही नहीं है अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं कि सूफीजम जो है वह दो शब्दों से बना है यदि हिंदी में बात करें तो सूफी वाद कहेंगे और अंग्रेजी में सूफीजम किन किन चीज़ों से बना है दो शब्दों से एक तो सूफी और दूसरा वाद वाद का बेसिक अर्थ क्या होता है विचार वाद का बेसिक अर्थ अर्थ क्या होता है विचार जैसे आपने सुना होगा मार्क्सवाद वाद समाजवाद सुने आप लोग गांधीवाद ये सब क्या है गांधीवाद में क्या पढ़ते हैं गांधी के विचारों को पढ़ते हैं समाजवाद में समाज से रिलेटेड विचारों को पढ़ते हैं लेलिनवाद में लेलिन के विचारों को पढ़ते हैं और मार्क्सवाद में काल मार्क्स के विचारों को पढ़ते हैं तो सूफीवाद में क्या करेंगे सूफी के विचारों का अध्ययन करेंगे तो सूफी जो शब्द है वह कहाँ से निकला है इसके इटिमोलॉजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कई लोगों का मानना है एक विद्वान का मानना है कि सूफी जो है लिखेगा यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखेगा अबू नसरल सराज ठीक है अबू नसरल सराज इनका मानना है कि सूफी जो शब्द है वह सुफ़ से निकला है किसे निकला है सूफ से सूफ का क्या मतलब होता है सूफ का मतलब होता है ऊन सुफ का मतलब ऊन ऊन समझ में आ रही बात ना उलेन क्लोथ होते हैं ऊनी कपड़े जो हम लोग पहनते हैं ठंडा के दिनों में है ना समझ में आ रही बात तो यदि आपसे पूछा जाए कि सूफी शब्द का जो बेउुत्पत्ति है वो सूफ शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है ऊन उन या ऊनी कपड़ा ऐसा किसने कहा है तो ऐसा अबू नसरल सराज ने कहा है नाम याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके का कॉन्सेप्चुअल सवाल आपसे पूछा जाएगा तो बहुत सारे किताबों में आपको मिलेगा नहीं या फिर बहुत जगह पे आप कोचिंग करते हैं तो मतलब अमूमन संभावना कम होती है कि इस तरीके से बताया जाए क्योंकि मैं भी तैयारी के दौरान कोचिंग करता था लेकिन हमारे सर जो थे वो अच्छे से पढ़ाए थे सुफिजम को ठीक है दूसरा जो है इसके उत्पत्ति को लेकर कहा गया है कि यह अरबी शब्द यह अरबी शब्द सफा से निकला है शफा अरबी शब्द सफा से निकला है जिसका अर्थ होता है पवित्रता जिसका अर्थ होता है पवित्रता यानी इसमें बताया गया है कि जो आध्यात्मिक तौर पे लिख सकते हैं जो व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पे आचार एवं विचार से जो व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पे आचार एवं विचार से पवित्र होते थे वे सभी के सभी सूफी कहलाते थे तो सूफी का दूसरा क्रिएशन कहाँ से अरबिक शब्द सफा से जिसका अर्थ होता है पवित्रता और इसको होली कह सकते हैं आप अंग्रेजी में यदि आप लिखते हैं तो ठीक है तो आगे लिखिएगा यह जो मत है उन वाला मतलब सूफ शब्द जो ऊनी कपड़ा का जो यह तर्क दिया है इसमें दो तीन विद्वान और हैं जो इससे सहमत हैं उनका नाम लिख लीजिएगा उनका नाम है डॉक्टर निकोलसन डॉक्टर निकोलसन और दूसरे नंबर पे लिखेगा प्रोफेसर ब्राउन हमारे जो सर थे उनका पीएचडी था दरअसल सुफीजम पे तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसे पढ़ाया था ठीक है तो डॉक्टर निकोलसन और प्रोफेसर ब्राउन और अबू नसरल सराज इन तीनों विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह सूफ शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है उन या फिर उन से बना हुआ कपड़ा क्लियर है और दूसरा क्या है दूसरा है सफ़ा जिसका अर्थ होता है पवित्रता और आगे लिखिएगा एक विचार के अनुसार सूफी शब्द लिखिएगा एक विचार के अनुसार सूफी शब्द सफ से बना है सफ 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 का मतलब यहाँ पे लिखिएगा वो बोला सफ नहीं शफ नहीं सफ ठीक है सफ़ शब्द से निकला है इसमें लिखिएगा जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने साहस अपने धैर्य एवं अपने उच्च चरित्र के कारण अपने उच्च चरित्र समझ मार बात ठीक है उच्च चरित्र हाई कैरेक्टर के कारण ईश्वर के सामने प्रथम शफ में प्रथम शफ में खड़ा होता है इसीलिए उसे सूफी कहा गया है शफ यहाँ ये वाला शफ शफ का मतलब होता है पंक्ति सफ का मतलब क्या होता है पंक्ति अंग्रेजी में क्या बोलेंगे लाइन क्लियर है यहां तक क्लियर है आगे लिखिएगा एक विद्वानों का वर्ग जो है स्कॉलरों का एक वर्ग है जो यह मानता है कि सूफी शब्द ठीक है लिखिएगा सूफी शब्द सूफ से बना है सूफ यहां पे देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं सु आधा फ और पूरा फ फ शब्द से बना है जिसका अर्थ चबूतरा होता है जिसका अर्थ चबूतरा होता है यहाँ तक क्लियर है अब देखो सवाल आपसे यहीं से पूछे जाते हैं हमारे पास अभी प्रीवियस ईयर है नहीं हिस्ट्री का नहीं तो मैं आपको देख करके आपको बताता मतलब यहाँ पर नहीं है कमरे में तो है ही ठीक है तो चार कॉन्सेप्ट है मतलब सूफी शब्द कहाँ से निकला पहला कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया सुफ़ ऊनी कपड़ा वाला दूसरा शफा का मतलब पवित्रता और तीसरा सफ़ का मतलब यहाँ पर पंक्ति से रिलेटेड है और चौथा सुफ़ सुफ का मतलब चबूतरा तो ये चार तरीके का इसमें तर्क दिया गया है सुफिजम के उत्पत्ति के पीछे ठीक है इटिमोलॉजी होता है व्युत्पत्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं उसके पीछे आगे और लिखिएगा एक लिखिएगा मतलब एक आ, और इसका मत है उसको लिखिएगा पैगंबर मोहम्मद साहब के ज़माने में लिखिएगा पैगंबर साहब के ज़माने में मक्का में मस्जिद नब्बी ठीक है मस्जिद नब्बी एक मस्जिद का नाम है मस्जिद नबी लिखिएगा पैगंबर मोहम्मद साहब के ज़माने में मक्का में एक मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद नबी ब्रैकेट में लिख लिया गया पैगम्बर मोहम्मद साहब के द्वारा निर्मित ब्रैकेट में पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा निर्मित फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए के किनारे एक चबूतरा था जिसमें लोग बैठकर भक्ति किया करते थे उन लोगों के समूह को सूफी कहा गया है उन लोगों के समूह को सूफी कहा गया है और आगे लिखिएगा अगला मतलब इसमें अगला जो मत है उसको लिखेगा सूफ़ी शब्द का प्रचलन सूफ़ी शब्द का प्रचलन पैगंबर मुहम्मद साहब के ज़माने में नहीं था बल्कि इसका प्रचलन हिजड़ी शताब्दी के अंत में शुरू हुआ बल्कि इसका प्रचलन किसका प्रचलन सूफ़ी शब्द का प्रचलन हिजड़ी शताब्दी के अंत में जा के शुरू होता है वहां से इसकी शुरुआत होती है यहाँ तक स्पष्ट है कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझना है कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रखना है आगे बढ़ते हैं सुफिजम के बारे में एक दो पॉइंट और लिखिए शुरू में मैंने बताया था ना कि यह मूलतः कुरान के आदेशानुसार और उसके अलावा जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो व्यवहारिक जीवन रहे हैं तो उनके जो आइडियाज थे उनके जो विचार थे उनके जो दर्शन थे उनसे प्रभावित है उसके अलावा इसमें शरीयत का भी रोल है ठीक सूफीजम को सूफी बाद को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं उसको लिखिएगा तसबुफ उसको लिखिएगा तसबुफ त तो आधा स पुरा सु और फ तसबुफ लिखिएगा तस्बुफ यहाँ तक क्लियर है अब ध्यान रखना आपको इस तरीके से ऑप्शन में दे देगा कि सूफीवाद को निम्नलिखित में से किस अन्य कौन से नाम से जाना जाता है तो याद रखना तसबूफ के नाम से जाना जाता है अब हम लोग बात करने वाले हैं सूफीजम से रिलेटेड दो थ्योरी हैं। उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं लिखिएगा इसी में अब पहला पॉइंट लिखिए शुरुआती दौर में यानी प्रारंभिक दौर में जो सूफी एवं संत थे ठीक है सूफी संत प्रारंभिक दौर में सूफी संत तौबा एवं तवक्कुल के सिद्धांतों पे, ठीक है तौबा एवं तवक्कुल तौबा एवं तवक्कुल के सिद्धांतों पे जोर दिया शुरुआती दौर में जितने भी सूफी सेंट हुए हैं उन्होंने तौबा एवं तवक्कुल के सिद्धांतों पे जोर दे करके सूफिज्म को प्रमोट करने का काम किया है ठीक है और यह जो सिद्धांत है यह दोनों तौबा एवं तवक्कुल जो सिद्धांत है यह मूल तौर पे कुरान से लिया गया है इसको याद रखना है आपसे पूछा जाएगा कि तौबा एवं तवक्कुल जो सिद्धांत है जो शुरुआती दौर में सूफिज्म का बेस है यह कहाँ से लिया गया है तो कुरान से लिया गया है कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट रहे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो ठीक है आगे लिखिएगा जो मैंने आपको बताया था दस रास्ते बताए थे मैंने बताया भी कि सुफीजम में आत्मा एवं परमात्मा का संबंध प्रेमी एवं प्रेमिका की तरह है तो एक प्रेमी को प्रेमिका तक पहुंचने के लिए दस रास्तों से गुजरना पड़ता है उसमें से कुछ रास्ते हैं जिनको आप लिखेंगे पहला लिखिएगा तौबा। तौबा को अंग्रेजी में कहते हैं रिपेंटेंस ठीक है रिपेंट तौबा का मतलब वो तौबा तौबा बोलते हो ना पछतावा रिपेंट का मतलब पछतावा करना होता है दूसरे नंबर पे लिखिएगा इसी में तौबा के अलावा वरा वरा को अंग्रेजी में लिखेगा अपस्टीनेट इसी में आगे लिखिएगा दिख रहा आपको जुहद जुहद को लिखेगा पीटी पी, पी आई ई टी वाई उसके बाद लिखिएगा फकर फकर को अंग्रेजी में लिखिएगा पोवर्टी उसके बाद लिखिएगा सबर कहते हैं ना थोड़ा सा सबर करो पेशेंस दिख रहा है ठीक है उसके बाद लिखिएगा शुकर बोलते हैं ना अल्लाह का शुकर है ग्रैटिट्यूड अंग्रेजी में ग्रैटिट्यूड बोलते हैं आगे लिखिएगा खौफ खौफ को आप जानते होंगे खौफ को अंग्रेजी में फियर कहते हैं और आगे लिखिएगा रिजा रीजा का हिंदी में आशा कहते हैं होप क्लियर है आगे लिखेगा ऊपर कर दे रहा हूं तवक्कुल 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 को अंग्रेजी में लिख कहते हैं कंटेंटमेंट कंटेंटमेंट और आगे लिखिएगा यहां पे जो है आप जाकर के मतलब यहां पे लास्ट पॉइंट है लास्ट रास्ता यहां पर जाकर के आप किससे मिल जाते हो आप परमात्मा से आपका भगवान से आपका अल्लाह से आपका ईश्वर से मिलन हो जाता है में उसे लवर कहा गया है महबूब ऐसे ये सारे शब्द से तो आप ज्यादा परिचित होंगे है ना हाँ कई लोग तो साथ में रहते भी हैं अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इन दस रास्तों से गुजरना पड़ता है जैसे आप डेली लाइफ में आप अपने प्रेमिका के पास पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते करते हैं व्यवस्था करना सारा चीज़ ये वो फलाना ढिमकाना बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ें हैं यहाँ पे दस रास्ते हैं पहले आपको पछतावा करना है फिर अपस्टीडेंट का काम है फिर है पीटी है फकर है सब्र करो थोड़ा सा फिर शुक्र है फिर खौफ खाओ फिर पेशेंस रखो मतलब होप रखो कि हो जाएगा और यहाँ पे कंटेंटमेंट लास्ट में आप जोन में पहुँच जाते हैं और अंत में यहां पे डिवाइन बिल के साथ आपका मिलन हो जाता है समझ में आ रही बात ये दस रास्ते हैं यह सुफीजा में ही बताया गया किसी और में नहीं ये इसकी खासियत है आगे बढ़े इसमें अब इसमें लिखिएगा फी बाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं पहला लिखिएगा वहदत उल वजूद वहदत उल वजूद इसको हिंदी में लिखेगा ईश्वर के निकट और दूसरा जो थ्योरी है पहले इसको समझते हैं उसके बाद उसको समझते हैं ठीक है इसका ठीक उल्टा होगा दूसरा जो थ्योरी है उसको लिख लीजिए यहाँ पे वहदत उल सहूद वहदत उल सहूद यह ईश्वर के निकट है तो यह ईश्वर से दूर होगा वहदत उल सहूद को प्रत्यक्षवादी दर्शन भी कहा जाता है अब देखो यह जो अप्रोच होगा प्रत्यक्षवादी है तो यह अप्रोच हमेशा प्रैक्टिकल होगा अब यह जब प्रैक्टिकल होगा तो डेफिनेटली यह इसको आप समझ गए होंगे कि यह थ्योरेटिकल पार्ट है यह थ्योरेटिकल होगा प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन भी मैंने पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे प्रैक्टिकली वो कर करके देखता है उन चीज़ों को मानता है देखता है तभी उस चीज़ को वो लिखता है मेंशन करता है हिस्ट्री राइटिंग में तो प्रत्यक्षवादी दर्शन है बहदत उल सूद और यह का है बहदत उल वजूद वजूद समझ रहे हो आप एग्जिस्टेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं समझ में आ रही बात एग्जिस्टेंस इसमें लिखिएगा बहदत उल वजूद में लिखिएगा कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर एक है इस सिद्धांत के अनुसार क्या है ईश्वर जो है वह एक है और दुनिया के सभी जीवों में दुनिया में जितने भी जीव हैं चाहे आप हो या कोई जानवर हो मच्छर हो कोई भी हो उन सभी जीवों में वह मौजूद है यह किसका मानना है यह वहदत उल वजूद जो सिद्धांत है सुफीजम का पहला इम्पॉर्टेंट थ्योरी उसके अकॉर्डिंग ईश्वर एक है और दुनिया के समस्त जीवों में उसका एग्जिस्टेंस है दुनिया के समस्त जीवों का निर्माण उसके अकॉर्डिंग हुआ है ईश्वर के अकॉर्डिंग हुआ है ईश्वर ने किया है और उन सभी जीवों के अंदर वह प्रतिस्थापित है वह स्थापित है वह उसमें एग्जिस्ट करता है क्लियर है चलिए इसके जो संस्थापक हैं इसका नाम लिख लीजिएगा उनका नाम है इब्न उल इब्न उल अरबी इब्न उल अरबी और यह जो है इसके ठीक उल, उलट है यहाँ पर वहदत उल सहुद का जो कॉन्सेप्ट है ईश्वर से दूर प्रत्यक्षवादी दर्शन और यह एक प्रैक्टिकल अप्रोच है इसके जो इसके जो फाउंडर हैं उसका नाम लिख लीजिएगा शेख अलाउद्दीन सिमनानी शेख अलाउद्दीन सिमनानी शेख अलाउद्दीन सिमनानी नाम याद रखना आपसे पूछा जाएगा वहदत उल वजूद के संस्थापक कौन हैं इब्न उल अरबी और वहदत उल सऊद के संस्थापक कौन हैं तो शेख अलाउद्दीन सिमनानी ठीक है सिमनानी यहां तक स्पष्ट है तो आगे बढ़ते हैं चलिए हम लोग जो पढ़ेंगे सुफिजम को तो उसको दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि सुफिजम एक आइडिया है तो उसका एरिया तो लिमिट है नहीं वो पूरे दुनिया में भी हो सकता है कहीं पे भी हो सकता है तो एक तो हम लोग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और दूसरा चूंकि हम लोग इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और भारत के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सुफीजम जो वर्ल्ड के लेवल पे जो उसका दो थ्योरी था वह बहदत उल वजूद और बहदत उल उलसूद था लेकिन भारत में यदि बात करें तो वह दो थ्योरी में विभाजित होता है और भारत में जो दो थ्योरी में विभाजित होता है उसको क्या क्या कहते हैं उसको एक को कहते हैं बेशरा और दूसरे को कहते हैं बाशरा बे शरा और बाशरा, ठीक है बे का मतलब क्या होता है और बा का मतलब होता है इसको पहले समझ लेते हैं बेशरा जो है वह दो शब्दों से बना है बे प्लस शरा ठीक बे का मतलब होता है ठीक है बे का मतलब लिखिएगा बे का मतलब रहित होना चाहिए ठीक है बे का मतलब रहित ठीक है बे का मतलब रहित रहित और सहित दो शब्द है ठीक और शरा का मतलब शरा का मतलब सरियत से है और सरियत आपको पता है इस्लामी कानून और बा जो शब्द है यहां पे बा और शरा दो शब्द से बना है बा का मतलब होता है सहित और शरा का मतलब सरियत ठीक शरीयत सहित मतलब शरीयत को लेकर के चलेगा बाशरा का सिद्धांत जो है और बेशरा में शरीयत लेकर के नहीं चलेगा शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा इनका अपना रूल रेगुलेशन होगा तो यानी कि यहाँ पे इस्लामिक जो ट्रेडिशंस होंगे उसको फॉलो नहीं किया जाएगा बेशरा वाले में लेकिन बाशरा वाले में किया जाएगा समझ में आ रही बात फिर से समझते हैं बे शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रहित रहित का मतलब उसको छोड़कर उसको छोड़कर और सहित का मतलब उसको लेकर ठीक और बा का मतलब होता सहित यानी कि शरीयत सहित यानी शरीयत पे ही इसका निर्माण हुआ है शरीयत को लेकर के चलेगा और यहाँ पे शरीयत को लेकर के नहीं चलेगा यह दो तरीके का सिद्धांत भारत में चला और इन दो सिद्धांतों के बेस पे भारत में सुफीज्म का क्रिएशन हुआ इससे पहले जो हमने पढ़ा था वह पूरे दुनिया में जब सुफिजम आया उसके कॉन्टेक्स्ट में उसके दो थ्योरी थे उसके निर्माण का उसके प्रतिपादन का दो थ्योरी था मूल तौर पे वहदत उल वजूद और बहदत उल सऊद बोलने में दिक्कत होता है लेकिन याद रखना है बस और क्या बोलने में तो हर किसी को दिक्कत होता है बासरा के बारे में पहले थोड़ा सा लिख लीजिए उसके बाद बेसरा के बारे में लिखते हैं लिखिएगा बासरा सिद्धांत इसके बारे में लिखेगा पहला पॉइंट लिखते चलेंगे आप हमारे साथ ठीक है इस संप्रदाय के सूफी सनातन पंथी लिखेगा इस संप्रदाय के सूफी संत कौन संप्रदाय के बासरा संप्रदाय के सूफी संत इस्लाम के नियमों ठीक है लिखेगा इस्लाम के नियमों तथा शरीयत के अकॉर्डिंग अपना पूरा जीवन यापन करते हैं फिर से लिखेगा बाशरा के अंतर्गत बाशरा सूफ़ी संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले सूफी संत इस्लामिक परंपरा एवं शरीयत के अकॉर्डिंग अपना आचार विचार एवं अपना जीवन यापन संपन्न करते हैं क्लियर है क्लियर है अब देखो हरेक सिद्धांत के अंतर्गत अलग अलग ऑर्डर आएंगे ऑर्डर को यहाँ पे सिलसिला कहा गया है अलग अलग सिलसिले आएंगे अलग अलग सिलसिला का अलग अलग फाउंडर होगा ठीक है तो जो बासरा सिद्धांत है ठीक है जो बासरा सिद्धांत है उसके अंतर्गत कौन कौन सिलसिले आते हैं उसको लिख लीजिए आगे हम लोग एक एक सिलसिले के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे पहले लिखिएगा यहाँ पर चिश्तिया सिलसिला बासरा में कौन कौन आता है लिखेगा चिश्तिया सुहरावर्दी सुहरावर्दी आगे इसमें लिखेगा नक्शबंदी आगे लिखेगा कादरी ये सारे क्या है ये सारे सिलसिले हैं लास्ट में सिलसिला लिखते चलेंगे अंग्रेजी में आप लिख रहे हैं तो ऑर्डर लिखते चलिएगा ठीक है कादरी के बाद लिखिएगा अबुल उलाइला अबुल उलाइला और इसी में आगे लिखिएगा एक और होगा फिर दौसिया फिर दौसिया ये सारे जो सिलसिले हैं वो वरा सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं अब इसी तरीके से बेशरा होगा तो बेशरा जो थ्योरी है वह जो सिद्धांत है वह तो शरीयत के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है उसमें इस्लामिक परंपरा के अनुसार आचार विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके नाम से स्पष्ट है ना बेशरा वे का मतलब रहित मतलब उसको हटा करके आगे लिखते हैं इसमें दूसरे नंबर पर लिखेगा यहां पे बा को आप बस बे कर दीजिए बे कर दीजिए और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको इसमें पहले नंबर पे लिखिएगा बेसरा सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले सूफी संत इस्लामिक परंपरा एवं शरीयत के अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन अपना आचार विचार या फिर अपना व्यावहारिक जीवन व्यतीत नहीं करते हैं स्पष्ट एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ठीक है समझ में आ रही बात या फिर इसको उलट के लिखेंगे कि वैसे सूफ़ी संत जो इस्लामिक परंपरा के अकॉर्डिंग या फिर शरीयत के अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन संपन्न नहीं करते हैं उन संप्रदाय को या फिर उन सूफ़ी संत के समूहों को बेशरा संप्रदाय के नाम से जाना जाता है क्लियर है ठीक है अब लिखिएगा इसी में इस संप्रदाय के जो लोग हैं यानी सूफ़ी संत वह विभिन्न प्रकार के चमत्कार में भरोसा करेंगे ठीक है चमत्कार में विश्वास करेंगे दरगाह वगैरह पे आप देखेंगे मोस्टली ठीक है उसके बाद लिखिएगा इनका जो पीर होता है यानी इनके पीर जो होते हैं वह मूल तौर पे अशिक्षित होते हैं पीर का मतलब पीर और मुरीद दो टर्म है मुरीद का मतलब आसान भाषा में समझिए शिष्य और आसान भाषा में समझिए चेला और पीर का मतलब मुरीद जो है जिसके प्रति अपना जान बिखेरता हो वह पीर है पीर का क्या अर्थ है गुरु ठीक है तीसरा पॉइंट लिखेगा इनके साधक यानी इसके मानने वाले जादू टोना तंत्र मंत्र इत्यादि में भरोसा करते हैं आगे पॉइंट लिखिएगा लिखते चलेंगे बेशरा संप्रदाय के अंतर्गत एक दल को मजूब नाम से जाना जाता है मजूब मजूब नाम से जाना जाता है और जो मजूब नाम से जाने जाते हैं वह नमाज में रोजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते ठीक है बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं आगे लिखिएगा अब चूंकि यह बिना शरीयत के चलता है इस्लामिक परंपरा के अकॉर्डिंग जीवन यापन करता ही नहीं है तो जो मोहम्मद पैगंबर के भी जो किए गए चमत्कार हैं जो उसके उनके अनुसार भी जो या इस्लामिक परंपरा के अकॉर्डिंग जो चमत्कारिक सिद्धांत है या कहीं कहीं पे बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि ये चमत्कार देखो खुदा का तो उन सारे चीज़ों में कैसे बिलीव करेंगे क्योंकि तो इस्लामिक ट्रेडिशन को ही नहीं मानते हैं तो उसमें भी बिलीव नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि इसको लिखवाने की ज़रूरत है यदि ज़रूरत है तो आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसका ख़ास बात क्या है कि इसमें कोई भी सिलसिला नहीं होगा अब इसके में गुरु ही अनपढ़ वगैरह है तो क्या किया जा सकता है सिलसिला का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है आगे लिखिएगा बेशरा संप्रदाय वाले लोग अपने क्रियाकलापों के अत्यंत ठीक है बेशरा संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले सूफी संत अपने क्रियाकलापों को पूरी तरीके से पूरी तरीके से गुप्त रखते हैं पूरी तरीके से क्या रखते है? हैं गुप्त रखते हैं रहस्यमय तरीके से उसको छुपा करके रखते हैं आगे लिखेगा, वह अपने पीर से यानी वह अपने गुरु से मौखिक ज्ञान प्राप्त करते हैं क्योंकि पढ़ना लिखना आता ही नहीं है तो मौखिक ज्ञान ही सुन करके सीखते हैं शुरुआती दौर में वेद भी श्रुति पर आधारित था हम लोग सुन करके ही सीखते थे आगे लिखिएगा बेशरा साधकों में यानी जो इस कम्युनिटी के जो सुफिशेंट हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है या फिर जो पहला नाम है उसका नाम लिखिएगा बू अली कलंदर बू अली कलंदर लिख दू पहला नाम और महत्वपूर्ण नाम बू अली कलंदर बू अली कलंदर कहा जाता है कि इनका संबंध शुरुआती दौर में चिश्तिया सिलसिला से था लेकिन बाद में यह चिश्तिया सिलसिला को छोड़ देते हैं और बेसरा सिद्धांत में भरोसा करने लगते हैं और चूंकि बेसरा सिद्धांत में सिलसिला का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है इसलिए इनको किसी भी सिलसिला से जोड़कर बाद में नहीं देखा गया कस, क्लियर है चलिए लेकिन अब चूंकि यह एक पीर के तौर पे उधर से चिश्तिया सिलसिला में लोग पढ़े लिखे थे तो यह इधर घूम करके आ गए तो इनके अंतर्गत जो काम करने लगे इनके जाने के बाद एक संप्रदाय ही बना दिए ठीक है लोगों ने बना दिया जैसे बुद्ध के जाने के बाद बौद्ध धर्म बना दिया ठीक तो कलंदरिया लिख लीजिएगा इनके अंदर जो काम किए ठीक है उन सभी को कलंदरी कहा गया क्या कहा गया कलंदरी अब लिखिएगा इसी में कलंदर शब्द का शाब्दिक अर्थ सोना होता है कौन वाला सोना वो वाला नहीं जो दस घंटा आप सोते वो वाला नहीं तो क्या गोल्ड वाला सोना वो वाला भी नहीं यहाँ सोना कहने का मतलब है हृदय और आत्मा की विशुद्धता जो कि आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं कई लोगों के पास होगा बुरा मानने की बात नहीं है लेकिन यहाँ सोना का क्या अर्थ है हृदय से बाई माइंड एंड बाई हर्ट प्योर होना चाहिए दोनों तरीके से दोनों तरफ से प्योर होना चाहिए लेकिन संभावना कम ही रहता है ठीक है कलंदर शब्द का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए तो आप समझिएगा ठीक है एक पॉइंट लिखिएगा कि भारत में कलंदर संप्रदाय का प्रवर्तक भारत में कलंदर संप्रदाय का प्रवर्तक सईद नजमुद्दीन लिखेगा सईद नजमुद्दीन सईद नजमुद्दीन प्लस गौसु लिखे गौसु दहर कलंदर को माना जाता है ठीक है और इसके बाद इनके जाने के बाद जो इनका उत्तराधिकारी रहा है उनका नाम लिख लीजिएगा कुतुबुद्दीन बिलाल कलंदर कुतुबुद्दीन बिलाल कलंदर कुतुबुद्दीन बिलाल, बिलाल कलंदर ठीक है ये तो और है इसमें काफी लंबा है लिखिएगा इसमें और लिखिएगा सरफुद्दीन भू अली कलंदर भी इनके साधक थे सरफ उद्दीन भू अली कलंदर भी इनके साधक थे और अगला पॉइंट लिखेगा बेशरा संप्रदाय में बेशरा संप्रदाय में कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिनका संबंध सुहरा वर्दी सिलसिले से है सुहरा वर्दी सिलसिले से है इन संप्रदायों में लाल सहबाजिया मूसा सुहाजिया लाल सहबाजिया और मूसा सुहाजिया का नाम देखने को मिलता है अगला पॉइंट लिखिएगा लाल सहबाजिया, लाल सहबाजिया संप्रदाय वाले लोग लाल वस्त्र धारण करते थे पर इस्लाम की धार्मिक क्रियाकलापों का प्रवाह नहीं करते थे वे शराब पीते थे और उनका मानना था कि उनके स्पर्श मात्र थे मतलब स्पर्श मात्र से यानी छूने से शराब पानी बन जाती है मतलब अजीब अजीब लोग हैं सुनिएगा फिर से लिखिएगा लाल सहबाजिया संप्रदाय वाले साधक जो थे सूफी संत जो थे वह लाल वस्त्र धारण करते थे लेकिन इस्लामिक परंपरा का मतलब पालन नहीं करते थे क्यों वो वो लोग शराब पीते थे और उसके पीछे उनका तर्क यह था कि शराब को जैसे ही लाल सहवाजिया संप्रदाय के लोग छूते हैं तो शराब शराब नहीं रहता पानी बन जाता है क्लियर है अरे हंसने वाली बात नहीं है ये लोग तो जादू टोना मंत्र में तो भरोसा ही करते हैं तो ये तो बहुत कॉमन बात है ना आगे लिखेगा मूसा सुहाजिया संप्रदाय का नाम आगे पहले मैंने लिखा है ना लाल शहवाजिया और मूसा सुहाजिया तो इसमें लिखेगा मूसा सुहाजिया संप्रदाय का नाम मूसा शाही सुहाज लिखेगा मूसा सुहाजिया संप्रदाय का नाम मूसा शाही सुहाज नामक संत के नाम से आया है सुहाज शब्द का प्रयोग उनके नाम के साथ इसलिए हुआ सुहाज शब्द का प्रयोग उनके नाम के साथ इसलिए हुआ कि वे लोगों के भीड़ से बचने के लिए वे लोगों के भीड़ से बचने के लिए स्त्री का वस्त्र धारण किया करते थे तथा स्त्री के वेश में ही रहते थे ये यूनिक यूनिक फैक्ट है ये ए इस तरीके का यूजी सीनेट वाले उठाकर पूछ देते हैं बच्चा सोच रहे कि अरे यार ये क्या पूछ दिया कहाँ से पूछ दिया ध्यान रखना इन तमाम सारे चीज़ों को ये ऐसे ऐसे चमत्कार हैं बाबा स्त्री का वेश में जैसे रामदेव बाबा रामलीला मैदान में वो जो पहन के क्या भागे सलवार सूट पहन के भागे थे उसी तरीके से रहते थे भीड़ से बचने के लिए स्त्री का धारण करते थे क्लियर है कॉन्सेप्ट क्लियर है हाँ ठीक है आगे लिखिएगा बेशरा संप्रदाय में एक मदारी संप्रदाय भी था बेसरा संप्रदाय में एक मदारी संप्रदाय भी था इस संप्रदाय को मदारिया संप्रदाय या फिर तबकातिया तबकाते तबकाते नासरी एक किताब सुने आप मिनहाजुल सिराज ने लिखी थी वही तबकातिया तो मदारिया संप्रदाय का ही दूसरा नाम है तबकातिया कम्युनिटी तबकातिया संप्रदाय इसको दोनों नाम से जानते हैं यदि आपसे पूछा जाए कि मदारी संप्रदाय या तबकातिया जो संप्रदाय है वह बेसरा से रिलेटेड है कि बाशरा से तो बेसरा से ये मदारी वगैरह का, का काम यही लोग करेंगे बेशरा वाले क्योंकि ये लोग इस्लामिक परंपरा वगैरह को मानते नहीं हैं शरीयत को नहीं मानते ये सब कुरान वगैरह इस सब चीज को मानते ही नहीं तो इसमें जादू टोना मंत्र से रिलेटेड जितने भी काम हैं ये सभी होंगे ध्यान से रखिएगा ध्यान से लिखिएगा ठीक इसी में लिखिएगा मदारिया संप्रदाय का जो प्रवर्तक है जो फाउंडर है उसका नाम है जिंदा जिंदा शाह मदार जिंदा शाह मदार मदार नाम है इसलिए मदारिया कलंदर नाम था तो कलंदरिया लाल शहबाज नाम था तो लाल शहबाजिया ठीक और मूसा सुहाज नाम था तो मूसा सुहाजिया एक व्यक्ति के नाम पे एक संप्रदाय चलता रहा जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो चिश्तिया सिलसिला आ जाएगा ठीक उसी तरीके से सुहरा वर्दी आएंगे तो सुहरा वर्दी सिलसिला चलेगा ज़्यादा इसमें कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा समझेंगे तो समझ लेंगे ठीक है अब चूंकि आपके मन में आएगा कि ये तो जिंदा शाह मदार का क्या मतलब है जिंदा नाम क्या के क्यों लगाया दरअसल मदारिया संप्रदाय के जो लोग थे उनका मानना यह था कि ये लोग मरते ही नहीं हैं वो जो क्या है मिर्जापुर का एक वेब सीरीज चला जिसमें कहता है ना कि हम मरेंगे नहीं हम अमर हैं वही वाला है कि ये लोग अपने से मानते थे कि हम मरेंगे नहीं हम अमर हैं तो अमर हैं का मतलब हम जिंदा हैं हमेशा के लिए जिंदा हैं तो नाम क्या ही जिंदा लगा लो जिंदा शाह मदार क्लियर है क्लियर ये बात मजाक में मैं नहीं कर रहा हूँ यह लिखना है ठीक है मजाक समझ रहे हैं ये लोग आगे लिखिएगा इस संप्रदाय के लोग यानी मदारिया संप्रदाय के लोग इसी में मदारिया संप्रदाय आपने दिया था ना ऊपर में छोटा सा हेडलाइन टाइप से उसी में लिख, आगे लिख रहे हैं हम लोग इस संप्रदाय के लोग काला कपड़ा पहनते थे काला कपड़ा आप लोग पहनते हो ना शनिवार रविवार को शनिवार को रविवार को नहीं काला कपड़ा कई लोग तो भूजा खाते हैं कुछ एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए ठीक लिखिएगा काला कपड़ा पहनते थे और इसी में लिखिएगा यह जब भीख मांगने के लिए निकलते थे क्योंकि अब मदारी वगैरह करके ही ना काम चलाएँगे नामे मदारिया संप्रदाय तो तो यह जब भीख मांगने के लिए निकलते थे तो लोग डर से भीख देते थे डर से भीख देते थे जो भीख नहीं देता था उसको श्राप दे देते थे लोग मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं लिखवा रहा हूँ ठीक है ये लोग जब भीख मांगने के लिए निकलते थे तो लोग डर से भीख देते थे भीख दे देते थे क्योंकि भीख नहीं देने के पश्चात ये लोग उस व्यक्ति को श्राप दे देते थे कुत्ता बन जाओगे जैसे जब मैं और एक मेरा फ्रेंड पटना का है और हम लोग गए हुए थे पटना में एक बुद्धा स्मृति पार्क है उसके बाहर घूमने गए थे और उसकी एक फ्रेंड साथ में थी ठीक है और ये हुआ कि वहाँ पे एक बच्चा आया जो पैसा मांगने के लिए जो आता ही है हम लोग कुछ खाते हुए जा रहे थे तो उसने का मना कर दिया ठीक है वो पहले कह रहा था कि पैसे दे दीजिए आपका जोड़ी बनेगा ये वो आप लोग इस तरीके से शादी करेंगे आपका प्यार सफल होगा दो दो बच्चे होंगे चार चार बच्चे होंगे जोड़े में ठीक है अब उसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने पैसा दिया ही नहीं मैं भी था साथ में मैंने भी नहीं दिया तो हमारी भी गलती है लेकिन हमारे साथ कोई थी नहीं लेकिन उसके साथ कोई थी उसने क्या किया कि उसको पैसा नहीं दिया तो उसने श्राप दे दिया कि ब्रेकअप हो जाएगा ये हो जाएगा फलाना ढिकाना तुरंत चीज़ें बदल गई बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा था आप भीख दें तो ठीक है नहीं दे तो फिर वही फिर मतलब श्राप दे दिए कि कुत्ता उत्ता में जन्म ले लोगे हालांकि उसका ब्रेकअप नहीं हुआ तो इसमें भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है आगे लिखिएगा बेसरा संप्रदाय में एक दूसरा अन्य संप्रदाय था जिसका नाम था मलंग संप्रदाय लिखिएगा बेसरा संप्रदाय के अंतर्गत एक अन्य संप्रदाय था जिसका नाम था मलंग संप्रदाय और मलंग को थोड़ा सा हेडिंग दे दीजिए मलंग संप्रदाय और उसमें दो चार पॉइंट लिख लीजिए लिखिएगा मलंग संप्रदाय को मदारी संप्रदाय का ही एक ब्रांच माना जाता है मलंग कम्युनिटी वाज अ ब्रांच ऑफ मदारी कम्युनिटी ऐसे लिख सकते हैं मदारी कम्युनिटी का ही एक संप्रदाय एक हिस्सा माना जाता था लिखिएगा मलंग शब्द किसी भी ऐसे साधु के भेष में साधु के भेष में भीख मांगने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो किसी भी धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता हो क्लियर है क्लियर है क्लियर है ना हाँ ऐसे समझते हैं कोई एक वैसा व्यक्ति है जो समाज में भीख मांगने के लिए गया और उस व्यक्ति का किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से ताड़ नहीं जुड़ा हुआ है उसको सुफीजम की भाषा में मलंग कहेंगे ठीक तो मलंग संप्रदाय किसका है मदारिया संप्रदाय का कम्युनिटी है और मदारिया संप्रदाय किसका हिस्सा है बेशरा संप्रदाय का यहां तक समझ में आ रही बात अब बाशरा वाले पे पढ़ेंगे बासरा के लिए टेंशन नहीं लेना उसमें चिश्तिया है सूराबर्दी लंबा चलेगा चिश्तिया पे एक लेक्चर चलेगा सोराबर्दी पे इस तरीके से लंबा चलेगा इसलिए बेशरा संप्रदाय को आज खत्म कर लेते हैं इसमें आगे लिखिएगा कि मलंग मलंग कौन व्यक्ति है जो इसका किसी रिलीजियस कम्युनिटी से लेना देना नहीं है लेकिन भीख मांगना उसका काम है ध्यान रखिएगा तो मलंग खुद भांग खाते थे चरस पीते थे लंगोटी धारण करते थे लंगोटी लंगोटी धारण करते थे और माथे पे लंबा लंबा ठीक है मतलब हेड पे लंबा लंबा बाल रखते थे ठीक है और चोटी की तरह बांधते थे ये मलंगों की एक पहचान थी कि दूर से देख करके पहचान सकते हैं आगे लिखिएगा लास्ट पॉइंट बाशरा संप्रदाय वाले साधक बेसरा संप्रदाय वाले साधकों को मलामती कहते थे मलामती कहते थे क्लियर है लिख लिया आप यह टोटल था बेसरा संप्रदाय के बारे में ठीक है बेसरा संप्रदाय के बारे में अब जो है अगले लेक्चर में बासरा संप्रदाय के अंतर्गत जो मैंने चार या फिर छः सिलसिले लिखवाए थे उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे तो तब तक के लिए आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा और एक चीज़ मैं बोलना ही शुरू में ही भूल गया कि वीडियो वगैरह पे किसी तरीके का ऐड आता है तो आप एड को स्किप नहीं कीजिएगा एड को पूरा देख लीजिएगा 10 या 15 सेकेंड का एड होता है उससे थोड़ा बहुत बस रिवेन्यू जनरेट होता है और कुछ से कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है बाकी आपकी मर्जी मैं तो बोल दिया मिलते हैं तब अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और कहीं पे कुछ कमी लगती है या फिर आपको सीखने को मिलता है तब आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ठीक है आप मतलब वीडियो कोई भी वीडियो देखते हैं ना उसका रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए कि हमसे यहाँ पे गलती हो गई या फिर आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई या फिर मतलब कुछ भी हो लेकिन फीडबैक जरूर देना है ये कम्युनिकेशन का बेसिक असूल है बिना फीडबैक का कम्युनिकेशन फेल माना जाता है तो फीडबैक आप लोग दीजिएगा मैं मानता हूँ कि आप लोग एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं मिलते हैं अगले वीडियो में आप अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए